हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ स्वच्छ ढंग में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो छोटू एज यूजुअल नारद मुनि गिरी तो उसका जाएगा नहीं, बुलाया है समर की मम्मी को मिलने के लिए ताकि उनको बता सके कि उनके बेटे और गुनगुन के ऊपर क्या क्या पुलिस केस और क्या क्या इल्जाम लगाया गया है, राधिका के परिवार ने किया है काम। तो छोटू, तुमने तो पूरी बात बताई नहीं, तुमको तो बतानी चाहिए ना पूरी बात कि समर के बच्चे की माँ बनने वाली है गुनगुन। डीएनए रिपोर्ट में तो यही निकला है, तो तुमने ये सब बात क्यों नहीं बताया? तुम तो बल्कि जैसी देवी वैसी पूजा, तुम नहीं सुधरोगे। तुम उनको बोल रहे हो कि हाँ वो लोग आते हैं, बात को खींच के चले जाते हैं, बेमतलब का बात खींच रहे हैं, और तुम ये सब बोलने के पहले 10 बार सोचो कि तुम पहले राधिका के सामने क्या बोल रहे थे, अभी उसकी मम्मी समर की मम्मी के सामने क्या बोल रहे हो। और आंटी जी, आपको तो 16 तोपों की सलाम भाई। आप कैसी औरत हो? आप एक माँ हो, उसके पहले तक औरत हो आप। आपको ये बात नहीं छोटी सी लग रही है कि आपका बेटा एक पढ़ाई औरत को प्रेग्नेंट कर दिया है? वो होगी पहले गुनगुन उसकी वाइफ, अब तो एक्स वाइफ है, तो ध्रुव की बीवी है वो, उसको वो प्रेग्नेंट कर देता है। ये चीज आपको इतनी छोटी सी बात लगती है? आप जो बोल रही थी छोटी सी बात को राधिका के फैमिली वाले इसके तरह मतलब च्युइंग गम की तरह खींच के लंबा कर दे रहे हैं। तो आप शर्म करो, आप एक औरत हो माँ के पहले, आप अपने गलत बेटे के साथ खड़े हो। आप बोल रहे हो हाँ ठीक है पुलिस पकड़ ले जाएगा, उसको भी थोड़ा सा सजा मिलना चाहिए, उसको भी सबक सीखना चाहिए कि वो कितना लोगों को हेल्प करने चलता है। तो ये कैसा हेल्प किया है? वो गुनगुन को प्रेग्नेंट किया, गुनगुन को हेल्प किया है क्या? ध्रुव का कोई बाप नहीं बन सकता है क्या जो वो उसको माँ बनने का सुख दे रहा है? ये हेल्प होता है क्या? किसको हेल्प किया है समर? गुनगुन को अपने घर में रखा हो, ये हेल्प होता है? तो गुनगुन को पहले बोल दे अपने घर जाए। गुनगुन का तो घर बार है, ऐसा तो नहीं है गुनगुन एक अनाथ लड़की है, तो उसको उसके घर भेजो, रखने का जरूरत ही क्या है? समर ही तो बल्कि उसको बोलता था पहले 10-10 दिन 15-15 दिन रह जाओ, तुम्हारे यहाँ वहाँ अमित आ रहे, तुम्हारे पापा आ रहे, कोई बात नहीं तुम यहाँ रह जाओ, मैं यहाँ से FIR कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। अरे आंटी थोड़ा शर्म करो, अपने गांव के जमीन को बेच कर पैसा दे दोगे? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप कितने बड़े टाटा अंबानी हो भाई, आपके पास तो पैसों की कमी नहीं है। एक जमीन बेचो 1 करोड़ रुपया आ गया, लो भाई ले लो, थोड़ा पैसे हमको भी दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें भी थोड़ा पैसे दे दो, आपके पास इतना पैसा का जब वो है बहाड़ी बहाड़ है। सच में फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे इंसान होते हैं। अपने बेटे को अगर गांव में ले जाओगे ना आंटी जी, तो उसको भी वहां संभाल के रखना, फिर दूसरी औरतों को यहाँ प्रेग्नेंट ना कर दे, थोड़ा सा संभालना, नहीं तो वहां भी आपकी जो नाक है ना कट जाएगा। बस फ्रेंड्स, बस यही बोलना था। समर की मम्मी को तो कोई मतलब ये चीज तो लगता है खाली होके गांव से आई है, इसलिए यहाँ पे जो बकवास किए जा रही है, उनका एक ही मामला है कि मेरा बेटा सत्यवादी है, मेरे बेटे और गुनगुन को इल्जाम लगा है, ये लोग सब गलत है, ये दोनों सही है। तो भाई सही का साथ दे, उनको गलत का साथ देने का शौक है दो। बस फ्रेंड्स, इतना ही बोलना था। जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक बाय बाय।